अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आजम, आरएच 9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। गुज़िश्ता 9 सालों से ज़ायद सीएम केसीआर यानी बीआरएस की हुकूमत ने तरक्याती कामों से लेकर जो आवाम को सहूलियात फराहम की है, शादी मुबारक स्कीम, डबल बेडरूम, इसी के साथ बिजली और पानी की किल्लत को भी दूर करते हुए माजूर और बुजुर्गों के लिए आसरा पेंशन जैसी स्कीम लगाकर उनके लिए सहूलत फराहम की। एक बुजुर्ग खातून का तो ये भी कहना है कि आसरा पेंशन उनकी कमाई का जरिया बना। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे नवाब की ये खबर। बिस्मिल्लाह बेगम, क्या उम्र है? मेरे 70-80 होंगे। आप क्यों हुए? ये कारोबार कब तक कर रही? थोड़े दिन से बैठे बैठे कर लेते, दिल नहीं लगता, सब अकेली बैठी हुई रहती हूँ। कुछ बच्चा जाता, कुछ भी काम कर लेता, आ जाता, जो भी है ला के डाल देता खुद घर में। वो खानदान के सब उनके लोग हैं, मैं तो जाती नहीं, आती नहीं। आपके साथ कौन कौन रहे? मेरे साथ कोई नहीं रहते, मेरा बच्चा रहता नहीं, मेरा बच्चा आते जाते रहता, बच्चा रहता, मैं रहती। पेंशन आती? पेंशन 2000 आती, उसमें मैं कारोबार से कर लेती। आइए, आपने पेंशन से पूरा करो? आपको नहीं पेंशन से? वो कारोबार कभी कभी खोल लेती हैं, थोड़े दिन से, एक दो महीने से खोल ले रही, नहीं तो वो दवाएं हमको उसको चले जा रहे थे पैसे मेरे। अब आपको 2000 पेंशन हुकूमत की तरफ से मिल रही है? हाँ, ऐसे यार कैसे वो? इससे खुश हैं आप? हो जाता हूँ कभी कभी, चला लेती हूँ पैसा भी। दूसरों की मोहताज की नहीं रही? नहीं रही, दूसरों का किसी से मांगती नहीं, जाती नहीं, आती नहीं, मेरे जगह मैं बैठी रहती ऐसा। कारोबार से क्या कमाने जा? मैं अब का के महीना भी नहीं हुआ डाल के, मैं थोड़ी थोड़ी प्याज मंगा के डला लेती हूँ। मैं उसकी आमदनी कितनी? 100 रुपये को 100 रुपये बचे तो बहुत बच जाते, रोज भी नहीं, वो पूरी बिकना आते 100 रुपये कम मिलना मेरे को, ज़्यादा भी नहीं मिलती। 100 रुपये को किलो तो प्याज ही छ, अब उसमें बची कचे निकल जाती है, ख़राब और आप सब निकल जाती है उसमें से। सर, राशन कार्ड है आपके पास? जी, राशन कार्ड का बच्चे के पास हूँ, है आपके पास? मेरे पास नहीं। अभी आपका गुजारा फिर? हाँ। आप कितने साल से इस इलाके में रह रहे हैं? मैं 20 साल से हूँ। पहले कैसा था 20 साल पहले इलाका? जब ऐसी था, थोड़ा 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 चल रहा था समझो। अब कैसा है यहाँ का इलाका? अब तो माशाल्लाह अच्छा ही हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा अब तो। लाइट बराबर आती? हाँ बराबर आती। पहले कैसा था? लाइट जाना, अंधेरा, लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। अभी पानी की कोई तकलीफ है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। लाइट की भी तकलीफ है? नहीं। मेरा नाम मोहम्मद शफी। कितने साल से आप यहाँ? 25-30 साल से है। क्या बिजनेस है आपका? मैकेनिक शॉप है। मिसरत, गुज़िश्ता 10 साल में आप क्या चेंजेस इन इलाकों में देखे हैं? सबसे पहले तो लाइट की चले गए, अपने लाइट का जो बनवाता था सताती थी, लाइट का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। पहले कितने और लाइट तो घंटों चली जाती थी, 4-4, 5-5 घंटे चली जाती थी, और ऊपर से पीने के पानी की सहूलत हो गई, कच्चे सड़कें थी, रोडा बन गए इधर। अलहमदिल्ला कोई तकलीफ है? नहीं नहीं, पीने का पानी अलहमदिल्ला आ रहा, 4 दिन में 5 दिन में और आ रहा। जब को आपको आबादी बढ़ी, कारोबार भी बढ़ा, चल रहा अलहमदिल्ला। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज़ RH9 न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।